अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, आज मैं फिर से एक वीडियो के साथ हाज़िर हो गई हूँ। तो आज की मेरी वीडियो का टाइटल ये है, वो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि क्या है। तो गाइस, इन्हें वीडियो को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, स्नैक बनाने के लिए, ज़िगज़ैग स्नैक बनाने के लिए आपने दो पेपर्स ले लेने हैं, किसी भी कलर के ले लेने हैं दो पेपर्स। देन आपने क्या करना है, इसको जिस विड्थ का आपको स्नैक चाहिए उसी विड्थ की आपने ऐसे फोल्ड कर लेना है एक साइड से। देखिए गाइस, एक पेपर मैंने फोल्ड कर लिया है, अब इसी तरह मैं ये दूसरा पेपर भी फोल्ड करूँगी और उसके लिए एक सेम साइज़ एक जैसा फोल्ड करने के लिए मैं इसको यहाँ से ऐसे करूँगी, चेक कर लूँगी कि ये इसी साइज़ का है ना। हाँ, आपने एग्जैक्ट ऐसे ही फोल्ड करना है, ये ना हो कि कोई चीज़ बड़ी हो, कोई साइड मतलब कि बड़ी फोल्ड हो जाए और कोई साइड कम फोल्ड हो जाए, ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये मैंने फोल्ड कर लिए हैं ये दोनों पेपर्स। अब मैं इनको विद द हेल्प ऑफ सीजर कट कर लूँगी, तो मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। मैंने एक पेपर को कट कर लिया है, ये देखें ऐसे पीसेस में डिवाइड करना है। इसी तरह सेम मैं इसको भी कट करके अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें मैंने इन सब पेपर्स को कट कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, विद द हेल्प ऑफ ग्लू एक मैं डिफरेंट पेपर ले लूँगी दोनों। अब क्या करूँगी, इनको ऐसे चिपका लूँगी। मेरे पास ये वाली ग्लू है, शारे ग्लू लिक्विड ग्लू है मेरे पास, इसको मैं यूज़ करूँगी ऐसे। ये देखें इस तरह से, ठीक है। अब एक साइड में इसको फोल्ड कर लूँगी, दिस वन, एक में ग्रीन वाली साइड को फोल्ड कर लूँगी। इसी तरह हमने सबको फोल्ड करके जाना है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी कि ये मैं कैसे बना रही हूँ। जहाँ से ये पेपर ख़त्म हो जाता है वहाँ से हमने दोनों साइड के लिए ग्लू लगा देनी है। एक साइड ये थी, फॉर इंस्टेंट मैं इसके लिए ऊपर क्या कर रही हूँ, स्टेपलर लगा रही हूँ, और एक साइड पे इस तरह मैं ग्लू यूज़ करूँगी। ये देखिए इस तरह ये चिपक जाएगा। देन क्या करूँगी, देन ऐसे ही फोल्ड करते रहूँगी। आप लोगों को जितना इसका वॉल्यूम चाहिए आप उसके मुताबिक पेपर यूज़ करें, ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा करें, कम चाहिए तो कम करें। Thank you.
में आप देख रहे हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, उसको ऐसे बस अभी तक फोल्ड ही कर रही हूँ। मेरे पास जितना पेपर है मैं उसको इसी तरह फोल्ड करती रहूँगी। ये देखिए अब मेरे पास ये ख़त्म होने वाली मेरी लास्ट फिट रह गई है और मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ। अब मैं आप लोगों को यहाँ से बताऊँगी कि जो लास्ट पे एंड से हम लोग कैसे करेंगे, इसको हम फिनिश कैसे करेंगे। बहुत ही मज़े का ये स्नैक बनने वाला, आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा एक दफ़ा। अब देखिए अब इसको मैं यहाँ पर ऐसे स्टेपलर से चिपका दूँगी, ठीक है, ऐसे चिपका दिया। अब मैं ये ऐसे और ये जो साइड बच जाएगी मेरे पास इसको मैं ऐसे ही रहने दूँगी। और जो मेरे पास साइड पे पेपर बच गया था उसको मैं कट कर लूँगी जैसा कि ये। सो गाइस अब मैं इसका फेस ड्रॉ करने जा रही हूँ, ठीक है। फेस किस तरह मैं ड्रॉ करूँगी, पहले मैं इसको ऐसे बना लूँगी, इसकी शेप जो होती है स्नेक की उसको मैं ड्रॉ कर लूँगी। देन विद द हेल्प ऑफ सीजर आई विल कट इट ऑफ एज सेम एज आई ड्रॉ इट पेंसिल ऑन द पेपर। सो एज यू कैन सी दिस साइड आई विल अटैच इट ऑन द स्नेक दैट साइज दिस दिस। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका फेस ड्रॉ करेंगे। ये देखें गाइस अब हमारा स्नेक तैयार हो गया, ये देखें। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है, स्नेक पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।